जन सुराज के बिहार में आज 1.5 लाख पदाधिकारी पूर्ण बहुमत के साथ जन सुराज 2025 में बिहार में सरकार बने रही है, बना रही है। ये आप देखते रहिए होके, जिसकी जितनी संख्या है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी है, उसके हिसाब से सबको भागीदारी मिलेगी। जाति बेस पर सभी का एक ही हमला है, वो है जन सुराज। चुनाव जीतना हार का वो 6 महीने में हम पूरा कर सकते हैं, ये बात समझ लीजिए। ये चुनाव कैसे जीता जाता है ये हमें मालूम है। बिहार में राजनीति करना है प्रशांत किशोर को, क्या प्रशांत किशोर जाति का जो एक बड़ा माहौल है बिहार में, उससे उब पाएंगे, उससे ऊपर उठ पाएंगे? जिसकी जितनी संख्या है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी है, उसके हिसाब से सबको भागीदारी मिलेगी। जाति बेस पर, जाति बेस हो या धर्म बेस हो या कैसी भी, बिना ये बोले हुए ना हम किसी जातिगत ध्रुवीकरण के साथ हैं, ना हम किसी धार्मिक ध्रुवीकरण के साथ हैं, हम इन दोनों के खिलाफ। बावजूद इसके ये इंश्योर किया जाएगा कि संख्या बल के हिसाब से लोगों की राजनीतिक व्यवस्था में भागीदारी बने। इसको जातिगत रूप से आप नहीं दे सकते हैं। इसको आप इस रूप में देखिए कि जब परिवार में सबसे जो कमजोर होता है, माँ सबसे पहले उसको रोटी देती है। इसी बात की, और इसको भी संवैधानिक रूप से वोटिंग करा करके तय किया गया कि हम बिहार में सबसे पहले जो नेतृत्व का ये बागडोर मिलेगा वो किसी दलित को मिलेगा। क्यों? और ये बोलने वाले वो दलित सिर्फ नहीं थे, ये बोलने वाले वो लोग नहीं थे जो मुस्लिम वर्ग से, ये बोलने वाले सिर्फ वो लोग नहीं थे जो अति पिछड़े वर्ग से, ये बोलने वाले सवर्ण लोग भी थे। इसको सार्वजनिक सोच बोलते हैं। और यही चीज बाबा साहब अम्बेडकर ने, यही उनका सपना था जिसको आज प्रशांत किशोर जी पूरा कर रहे हैं, कि जो ये सामाजिक न्याय को सार्वजनिक सोच बनाते हुए जब बात बनेगी तो उसको असली न्याय बोला जाए। लेकिन राजद भी तो कह रही है कि जो ये जो है बीजेपी के एक एजेंट की तरह आए हुए हैं बिहार में, बीजेपी के साथ मिलकर रणनीति बनाकर ये पैसे लेके यहाँ पर राजनीति करने आए, आपको कैसा लगता है इस पे? ये चूंकि राजद की ही बात आप क्यों करते हैं, क्योंकि बड़ी पार्टी है जी। आज देखिए बिहार में चाहे राजद हो, जेडीयू हो, बीजेपी हो, लेफ्ट पार्टियां हो, अन्य कोई भी पार्टी हो, सभी का एक ही हमला है, वो है जन सुराज पर। लेकिन इसकी एक खासियत देखिए, पार्टी के नेता जन सुराज पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं और जनता जो है उनको जवाब दे रही है, जन सुराज जवाब नहीं दे रही। इसका क्या मतलब है? इसका खास मतलब है कि हम किसी भी ढंग से किसी पार्टी के अस्तित्व पर हम जाना ही नहीं चाहते। हम सकारात्मक सोच के साथ सकारात्मक राजनीति करना चाहते हैं, और जनता को जिस दिन अभी जब महसूस होगा कि ये जन सुराज हमारे हित में है, तो सभी दलों के लोग जो अभी निकल के आ रहे हैं, 1.5 लाख पदाधिकारी ऐसे तो नहीं बने आज की डेट में, जन सुराज के बिहार में आज 1.5 लाख पदाधिकारी, कम से कम 1 करोड़ होंगे जो संस्थापक सदस्य होंगे 2 अक्टूबर तक। ये आपको कितनी बड़ी बात है जरा सोचिए। जब वोटिंग की बात आएगी और जब चेहरा आएगा जो उम्मीदवार होंगे, तो स्वाभाविक है उस पर थोड़ी बहुत बातें होंगी, तो हम लोग भी उस रणनीति पे काम करेंगे कि हम जनता को हमारी जो सही सोच है उसको सही ढंग से बता सकें, और जब हम वो बता सकेंगे तो जनता हमें मत देगी और हम बिल्कुल उनके लिए काम करेंगे सेवक के रूप में। लेकिन क्या जन सुराज बबल की तरह तो नहीं हो जाएगी, हायर क्लास लोगों तक रहेगी और गांव के पिछले वर्गों तक नहीं पहुंच पाएगी? ऐसा बिल्कुल है ही नहीं, इसलिए कि आज जन सुराज के जो 1.5 लाख पदाधिकारी हैं उसमें आपको अगड़े भी मिलेंगे, पिछड़े भी मिलेंगे, हिंदू भी मिलेंगे, मुस्लिम भी मिलेंगे, ईबीसी भी मिलेंगे, ओबीसी भी मिलेंगे, सभी जाति, सभी धर्म, सभी लोग। क्यों? क्योंकि प्रशांत किशोर जी का एक और चीज है जो आप गौर कीजिए, कोई भी व्यक्ति जो काबिल होता है वो हर समाज में होता है, और हर समाज में कोई ना कोई व्यक्ति काबिल होता है, ये सच्चाई है। इसीलिए हमें राजनीति में काबिलियत को स्वच्छता के साथ जो मानसिकता होती है, वैसे व्यक्ति जब राजनीति जन सुराज की करती हुई दिखेंगे तो आपको सब कुछ, ये सारे जो फॉग हैं जो फैलाने का लोग प्रयास कर रहे हैं, वो खत्म हो जाएंगे। और वैसे
उदाहरण लीजिए, जब दिल्ली में, मैं इस पार्टी, किसी पार्टी से बिना नाम लिए हुए बोलूंगा, जब नई पार्टी बन रही थी तब उनको भी बीजेपी का भी टीम बोला गया था, और आज आप देखिए कि उनके साथ में कौन लोग जुड़े हुए। तो जो लोग बी टीम बोल रहे थे वही लोग आज उनके पीछे पड़े हुए हैं। जन स्वराज को किसी राजनीतिक गठबंधन की ना आवश्यकता है, ना जन स्वराज के लिए ऐसा माहौल आएगा कि किसी पार्टी के समर्थन और गठबंधन की सरकार की जरूरत पड़ेगी। पूर्ण बहुमत के साथ जन स्वराज 2025 में बिहार में सरकार बने रही है, बना रही है, ये आप देखते रहिए, होके रहेगा। अच्छा, ऐसा क्यों लगता है आपको कि क्यों लोग वोट करेंगे? क्या आप सिर्फ जो भीड़ तंत्र को क्या वोट तंत्र में तब्दील कर पाएंगे? ये बहुत बड़ा मसला हो जाएगा चुनाव में। जी नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, वोट करना लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। क्यों सरकार लोग बनाते हैं, क्यों व्यवस्था लोग चुनते हैं? क्योंकि मुद्दों की राजनीति हो, मुद्दों की बात हो, तब आप बिहार की स्थिति पे आ जाइए। एजुकेशन, आज ये हालत है कि एजुकेशन के कारण से, एजुकेशन के लिए बच्चे यहाँ से पलायन कर रहे हैं। 10th पास करते ही बच्चों को कहीं ना कहीं पलायन कराया जाता है, और जब हायर एजुकेशन में आते हैं, ग्रेजुएशन के लिए, प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए, मेडिकल के लिए, इंजीनियरिंग के लिए, बच्चे पलायन करते हैं। अगर बताइए, जन स्वराज की सरकार बनी और बिहार के प्रत्येक जिला में एक एक मेडिकल कॉलेज और एक एक इंजीनियरिंग कॉलेज जहां नहीं है खोल दिया जाए, तो डोमिसाइल के इस युग में जहां प्रतियोगिता में डोमिसाइल की उपयोगिता है, आप बताइए बच्चों को पलायन करने की आवश्यकता पड़ेगी? आज मेडिकल कॉलेज में जो बच्चे 600 नंबर पे बीडीएस का कोर्स करने जा रहे हैं, वो बच्चे 450 नंबर पे उतर आएंगे, और इस ढंग से उनकी व्यवस्था यह होगी, पलायन रुकेगा, शिक्षा के नाम पे पलायन रुकेगा। जब आप स्वास्थ्य पे आते हैं, तो सिर्फ बेगूसराय नहीं, बिहार के अन्य जिलों में भी जाइए, सरकारी अस्पताल की जो व्यवस्था है इतनी लचर है कि यहाँ मजबूरन सरकारी नीति की खामी के कारण से मजबूरन निजी क्लिनिक खुले हुए हैं, और डॉक्टर्स जो हैं वो अपना निर्वहन कर रहे हैं, अपना कर्तव्य निर्वहन कर रहे हैं, लेकिन वो निजी क्लिनिक है। अगर यहाँ पर सरकारी व्यवस्था होगी, अस्पताल जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो बिल्डिंग एग्जिस्ट कर रहे हैं, उसी को अगर अपग्रेड कर दिया जाए, सदर अस्पताल को अपग्रेड कर दिया जाए, बेगूसराय के सारे अनुमंडल अस्पताल को अपग्रेड कर दिया जाए, जितने प्रखंड अस्पताल है जिसमें बिल्डिंग तो है लेकिन सीलन पड़ी हुई है, डॉक्टर्स नहीं है, उसको अपग्रेड कर दिया जाए, वहां पे उन अस्पतालों में कम से कम 250-250 बेड का अगर जो पेशेंट की सुविधा हो, रुकने की, रहने की, मातृ सदन खुले, तो क्या आपको लगता है कि नहीं लोगों के पास एक ऑप्शन आएगा कि या तो वो चाहें तो सरकारी अस्पताल में दिखाएं, नहीं तो वो चाहें तो निजी क्लिनिक में भी या हॉस्पिटल में भी दिखा सकते हैं। ये सुविधा होनी चाहिए, हम उसको बहाल करेंगे। उसके बाद अगर जो आप शिक्षा और स्वास्थ्य से देखेंगे, तो एक सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण पहलू है रोजगार का। यहाँ पर जो बिहार एक मजदूरों की फैक्ट्री बनी है, इसमें किसी जाति का बात मत कीजिए, किसी धर्म की बात मत कीजिए, अक्रॉस द लाइन छोटे से लेके बड़े लोग तक सभी लोग पलायन कर रहे हैं बाहर नौकरी के लिए, मजदूरी के लिए, जिसको हम आमतौर पर मजदूरी बोलते हैं, और बाहर में उनको जाकर के तिरस्कार भी झेलना पड़ता है, जबकि वो ये एक ऐसी फैक्ट्री बनी हुई है जिसके दम पे अन्य राज्य, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, दिल्ली हो, हर जगह आपको यहाँ के मजदूर, अगर यहाँ के मजदूर कोरोना काल में अगर वापस लौट गए थे तो काम रुक गया था। हम इसको, पलायन को रोकने के लिए यहाँ पर रोजगार का ऐसा उपाय निकालेंगे कि 18 साल से लेकर के 45 साल के हर युवकों के लिए यहाँ पर रोजगार का ऐसा अवसर होगा कि उनको बाहर ना जाना पड़े। और इसी में प्रशांत जी ने जो बोला है कि आप अपनी, आज ये आखिरी पीढ़ी है आपकी, जब आप पलायन देख रहे हैं, अपने जीवन काल में, आप अपने जीवन काल में बिहार में, पंजाब से, गुजरात से, हरियाणा से, दिल्ली से, महाराष्ट्र से, ये अन्य किसी भी विकसित राज्यों से, आप वहां के लोगों को यहाँ पर आकर के नौकरी करते हुए देख पाएंगे। ये व्यवस्था हमें बनानी होगी। इसीलिए मुद्दे अनेकों हैं, कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो जनहित से जुड़ा हुआ मुद्दा है। जब आप राजनीति की बात करते हैं, जनहित से जुड़ा हुआ मुद्दा जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर तो है लेकिन व्यवस्था दुरुस्त करने की आवश्यकता होती है, चाहे वो ब्लॉक लेवल पे करप्शन से रिलेटेड हो, पंचायत लेवल पे हो, या फिर पुलिस स्टेशन से रिलेटेड हो, आमतौर पर शिकायतें आती रहती हैं,
वो व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए आपको सही एडमिनिस्ट्रेशन करना होगा। राजनीतिक व्यवस्था में इन सारी चीजों का डिमांड कोई बड़ी बात नहीं है। और बिहार जो इतना पीछे चला गया है क्योंकि यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था ने इन चीजों को दुरुस्त नहीं किया। और यहीं पे बिहार से 2000 ईस्वी में विभाजन के बाद झारखंड अलग, आज झारखंड कहाँ पहुंच गया देखिए। और बिहार जो कि बीमारू स्टेट बोला जाता था उसमें भी सबसे नीचे चला गया, जबकि इतने सारे मुद्दे हैं, इतने सारे ऑप्शंस हैं, वो अगर कर लिया जाए और वो हम लोग जनसुराज के सिस्टम के बाद करने का बिल्कुल प्रण ले चुके हैं तो यहाँ बिल्कुल खुशहाली आ जाएगी, बिहार रफ्तार पकड़ लेगा। और जब ये रफ्तार पकड़ेगा इसको कोई रोकने वाला नहीं मिलेगा बिहार, बिकॉज यहाँ पे प्रतिभा और टैलेंट की कोई कमी ही नहीं। तो क्या प्रशांत किशोर सिर्फ बिहार की समस्याओं से सरकार बनाना चाहते हैं, समस्या गिना रहे हैं? क्या उनके पास ऐसी सोच आपको दिखती है कि ऐसी सोच उनके पास है कि वो समस्याओं का समाधान भी कर सके, या फिर चुनाव से पहले वाला वो जुमला वाला जो है वो जुमला सुनाया जाएगा? बिल्कुल नहीं। देखिए प्रशांत किशोर जी कोई सिर्फ चुनाव जीतने के लिए ये सब नहीं बोल रहे, हम लोगों ने जो संविधान निर्माण अभी संगठन का कर रहे हैं उसमें 121 लोगों को जोड़ा गया, 121 लोगों की बड़ी संख्या जो सिर्फ ये संविधान और नीति निर्धारण के लिए बनी है उसमें तरह तरह के आपको पढ़े हुए लोग मिलेंगे, प्रोफेसर हैं, डॉक्टर्स हैं, बड़े बड़े अधिकारी जो रिटायर्ड हुए हैं IAS IPS से, BPSC से, या फिर जो रिटायर्ड या एजेड आप राजनीतिज्ञ बोलेंगे वो हैं, उन सबों ने जिंदगी का तजुर्बा देखा है, वो इसमें डाल रहे हैं कि ये सिर्फ यहाँ तक चुनाव जीतने तक बात ना हो। रही बात सिर्फ चुनाव जीतने की, चुनाव तो वो उन पार्टियों के लिए भी जिताते रहे हैं जो डिजर्व नहीं भी किया, लेकिन उनका ये प्रयास जनसुराज के माध्यम से नहीं है। चुनाव जीतना हारना वो 6 महीने में हम पूरा कर सकते हैं, ये बात समझ लीजिए। ये चुनाव कैसे जीता जाता है ये हमें मालूम है, लेकिन व्यवस्था को चुनाव जीतने के बाद कैसे ठीक करना है, हमें उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है सरकार बनाने के बाद, हम अभी से उस पर सोचना प्रारंभ कर दिए हैं। इस पे तो अब कोई हम दो राय भी नहीं रख रहे हैं कि सरकार बनेगी कैसे बनेगी क्या ये होगी, हमें ये हम इस बात पे अब चर्चा शुरू कर चुके हैं कि जीतने के बाद और सरकार बनने के बाद किस रूप में हम इन सारी चीजों को अति शीघ्र इम्प्लीमेंट करें कि पब्लिक के सामने जुमला ना दिखे, वो हकीकत में कन्वर्ट होती होगी। अच्छा रंजीत जी, कुछ लोगों से मेरी बात ऑफ कैमरा हुई और उन्होंने कहा कि रंजीत जी या तो तेघरा लड़ेंगे या बेगूसराय लड़ेंगे, क्या आपको भी लगता है? देखिए आपको मैं ये पहले बता देता हूँ कि ये सारी बातें बिल्कुल हवा की बातें, मैं चुनाव लड़ूंगा या नहीं लड़ूंगा इसका निर्णय भी संवैधानिक तरीके से जो हमारी चुनाव कमेटी बनी है जो कल निर्माण हुआ है उसमें 7 प्रबुद्ध लोगों को, बेस्ट लोगों को रखा आपकी इच्छा गया है। है या नहीं? देखिए इच्छा जब आप राजनीति में कदम रखते हैं और जनता की एस्पिरेशन को पूरा करने के लिए आते हैं तो जिम्मेदारी के साथ साथ ऑथोरिटी की आवश्यकता होती है, तो चुनाव लड़ना उसका एक माध्यम है। अगर मुझे चुनाव लड़ने के लिए बोला जाता है तो मैं उसके लिए तैयार हूं और वो मैं पूर्ण रूप से करूंगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं प्रशांत किशोर जी की सोच के साथ में मैं इतना ज्यादा इम्प्रेस्ड हूँ और इतना ज्यादा कदम में कदम मिला के चल रहा हूँ कि मैं अगर मुझे जिम्मेदारी दी जाएगी तो मैं कहीं से भी चुनाव लड़ूंगा और जीतूंगा, लेकिन वो मुद्दा नहीं। परंतु एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, तेघरा की बात लोग इसलिए करते हैं कि शायद मेरा घर बीहट है, लेकिन उन लोगों को ये नहीं मालूम है कि बीहट मेरे पिताजी आके बसे, लेकिन मेरा असली घर सबौरा है, मेरा ननिहाल सोनापुर है, तो वो तो मटिहानी में पड़ता है, तो आप फिर मटिहानी की बात नहीं करते क्यों? ऐसा लगता है कि शायद इनका अभी जो निवास है वो बेगूसराय में है और इनका पहले पिताजी का घर बीहट था। हम लोग इस ध्रुवीकरण की राजनीति में पड़ना ही नहीं चाहते। अगर मैं या मेरी तरह कोई भी पार्टी द्वारा अधिकृत व्यक्ति चुनाव लड़ते हैं तो पूरा संगठन पूर्ण रूप से उनके लिए खड़ा होगा, रीढ़ की हड्डी बनकर मैं खड़ा दिखूंगा आपको, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन चुनाव अगर मुझे लड़ने के लिए कहा जाता है तो उसमें भी मैं कहीं भागने वाला नहीं हूं, मैं बखूबी उसको निर्वहन करूंगा। सर बहुत सारी बातें हैं और बहुत सारी बातें और होती रहेंगी,
और मुलाकातें होती रहेंगी। और बिल्कुल किसी को भी इच्छा होती है, राजनीति में आते हैं तो किसी की भी मंशा होती है कि हम कुछ अच्छा करें, और अगर उन्होंने वीआरएस लेके आया है तो बहुत कुछ नई सोच के साथ आए होंगे। ये थे हमारे साथ विंग कमांडर रंजीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आने के थैंक यू लिए। सो मच। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, मैं डॉक्टर रोशन और केवी स्टूडियो दोनों को अपने दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि डॉक्टर रोशन ने जो पहले भी मैंने बताया था जितना बड़ा अच्छा कदम उठाया हुआ है केवी स्टूडियो के माध्यम से, एक बहुत ही अच्छा सही सोच है, क्रांतिकारी कदम है। उनके इस जज्बे को और उनके इस एक्शन को मैं सैल्यूट करता हूँ और बहुत बहुत थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।